हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद अनस गाइस। मैं हूं अनस और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोड विद अनस। तो आज की इस वीडियो में बनाएंगे एक लॉगिन फॉर्म जैसा आपने प्रीव्यू में देखा। तो चलिए बिगल लंबी किए बगैर वीडियो को स्टार्ट करेंगे अपने। तो यहाँ वीएस कोड के अंदर आ गए, यहाँ हमने एक HTML नाम से फोल्डर बना रखा है और उसी फोल्डर के अंदर हमारे पास फाइल index.html और style.css style.css index.html हमारे पास फाइल है और इसी के अंदर स्टाइल के अंदर हम अपनी उतारेंगे boilerplate HTML और डॉक्यूमेंट का नाम चेंज कर देंगे। इधर सिंपली हम लिखेंगे लॉगिन फॉर्म लिख देंगे। इधर आपने बॉडी में आना है, सिंपली बॉडी में आकर हम बनाएंगे सबसे पहले डिफ टैग और इस डिफ को हमने क्लास देनी है कंटेनर नाम से, कंटेनर क्लास दे देंगे इसको हम। और उसके बाद आपने सिंपली क्या करना है, इसी डिफ टैग के अंदर हम अपना एक और डिफ टैग बनाएंगे। तो एक और डिफ टैग बनाएंगे हम और इस डिफ को हम क्लास दे देंगे बॉक्स नाम से, इसको बॉक्स नाम से हम क्लास दे देंगे। देन इस डिफ के अंदर आके आपने एक H2 है या H1 हम हेडिंग ले लेंगे और इसके अंदर हम क्लास दे इसके अंदर हम सॉरी लिखेंगे लॉगिन फॉर्म। इसके अंदर हम सिंपली हम लिखेंगे लॉगिन और इसी लॉगिन इसी बॉक्स डिफ के अंदर हम एक और डिफ बनाएंगे अपना। ये डिफ बनाएंगे हम अपने इनपुट के लिए, इस डिफ के अंदर हमने लेना है इनपुट, इसके अंदर सिंपली इनपुट टैग लेंगे हम। इनपुट टैग लिया और हम इसको टाइप दे देंगे सिंपली टाइप, इसको हम देंगे टेक्स्ट क्योंकि हम यूजर से टेक्स्ट की फॉर्म में लेंगे डेटा ने फॉर्म के अंदर। तो टैग दे देंगे, उसके बाद हमने नेम दे देना है सिंपली। नेम क्या देंगे इसको हम, नेम दे देंगे यूजर नेम दे देंगे सिंपली। उसके बाद हम बनाएंगे प्लेस होल्डर जो बाय डिफॉल्ट पहले से ही नेम होता है, किसी भी आप देखा होगा लॉगिन फॉर्म वगैरह में तो उसका होता है प्लेस होल्डर के जरिए लगाते हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे सिंपली इंटर यूजर नेम और इसी को हम कॉपी करेंगे, कॉपी करके नीचे पेस्ट करेंगे और एक और बार पेस्ट कर लेंगे यूजर नेम के लिए, एक ईमेल के लिए और एक पासवर्ड के लिए। तो सिंपली हम क्या करेंगे, टाइप में ईमेल लिख देंगे और यूजर नेम में भी ईमेल लिखना है आपने, सिंपली ईमेल लिख देता हूँ मैं यहाँ। और प्लेस होल्डर में भी हम नाम चेंज कर देंगे ईमेल, इंटर योर ईमेल सिंपली। इसके बाद हमारे पास है इनपुट, तो ये हमारा टेक्स्ट का होगा, इसमें हम टाइप कर देंगे पासवर्ड, इसमें आपने सिंपली पासवर्ड टाइप देनी है और नेम में भी हम क्या करेंगे पासवर्ड ही देंगे। तो सिंपली आपने नेम को भी काटना है और इसको ही पासवर्ड दे देंगे। और प्लेस होल्डर में भी आपने सिंपली ऐसे ही करना है, यूजर नेम को हटा के इंटर पासवर्ड लिख लेना है, इंटर पासवर्ड लिख देंगे। देन आपने क्या करना है, ये हमारा हो गया एक पार्ट कंप्लीट। उसके बाद हम बनाएंगे अपना बटन, बटन के लिए एक डिफ बनाएंगे, एक और डिफ टैग हम बनाएंगे और इसके अंदर सबसे पहले हम लगाएंगे अपना एक पी टैग लगाएंगे और इसके अंदर दे देंगे हम सिंपली फॉरगेट पासवर्ड। अक्सर कोई यूज़र या आप देखा होगा फॉर्म पे होता है फॉरगेट पासवर्ड, तो हम करते हैं साइन अप या लॉगिन कुछ इस तरीके से बनाते हैं। तो इधर बना देंगे हम फॉरगेट पासवर्ड। देन आपने बनाना है बटन, सॉरी हम बटन बनाएंगे, तो बटन बनाना है बटन टैग लेंगे, इसको हम क्लास दे देंगे btn। पहले आपने सबमिट लिखना है, देन आपने इसको क्लास दे देंगे हम इसके अंदर btn ताकि इसको एक्सेस करके इसको हम स्टाइलिंग करेंगे अपने बटन टैग को। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम एक को अपना पी टैग बनाएंगे, पी टैग सिंपली आपने पी टैग लेना है और इसके अंदर दे देंगे, अगर कोई यूज़र फर्स्ट टाइम आता है तो हम लिख देते हैं फर्स्ट टाइम हियर और इधर हम सिंपली देंगे साइन अप। अगर कोई यूज़र अक्सर आप देखो फर्स्ट टाइम है इधर हमारे पेज पे हमारी वेबसाइट पे, तो उसके बाद स्पैन टैग लेके उसके अंदर हम दे देंगे साइन अप। यहाँ सिंपली आपने साइन अप लेना है और इधर हम क्या करेंगे, पी को भी हम एक क्लास दे देंगे, क्लास इसको हम दे देंगे साइन अप नाम से, साइन अप की हम इसको क्लास दे देंगे। तो हमने क्लास दे दी। देन आपने क्या करना है, अब ये हो गया हमारा HTML का पार्ट कंप्लीट, इसको हम ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे राइट क्लिक करके। तो ये देखेंगे आ गया हमारा सारा HTML का पार्ट आ गया, ये हो गया हमारा HTML का पार्ट कंप्लीट। देन आपने क्या करना है, अब हम जाएंगे अपना CSS के अंदर, CSS फाइल के अंदर आएंगे और यहाँ सबसे पहले आएंगे बॉडी। उससे पहले हम बॉडी के अंदर क्या करेंगे, मार्जिन दे देंगे, जीरो दे देंगे इसको मार्जिन, मार्जिन ज़ीरो लेंगे। उसके बाद में पैडिंग देनी है, पैडिंग हम सिंपली पैडिंग भी ज़ीरो लेंगे क्योंकि जो हमारी बाय डिफॉल्ट जो स्पेस होगी वो ख़त्म हो जाएगी। तो उसके बाद लेना आपने बॉक्स साइजिंग, बॉक्स साइजिंग आपने ध्यान रखना है, इसको लाजमी ले यूज़ करना आपने बॉक्स साइजिंग, और वैल्यू देनी है बॉर्डर बॉक्स ताकि पैडिंग और विथ देने से जो है हमारी बाय डिफॉल्ट हाइट और विथ ना पड़े। उसके बाद हम बनाएंगे कंटेनर, हमने अपने डिफ को जो है कंटेनर क्लास दी थी तो उसको डॉट कंटेनर के नाम से एक्सेस करेंगे हम और इसको सबसे पहले हम देंगे हाइट, हाइट ले लेंगे हम हाइट टैग और हाइट के अंदर हम इसकी वैल्यू देंगे 100 VH। देन आपने इसको क्या देना है, आपने देना है डिस्प्ले लगाएंगे, डिस्प्ले हम क्या करेंगे फ्लेक्स कर देंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स
देन जस्टिफाई कंटेंट लगाएंगे, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देंगे ताकि जो हमारा जो कंटेंट है वो सेंटर में आ जाए। उसके बाद लगा सकते हैं हम अलाइन आइटम या टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर लेते हैं, पहले टेक्स्ट अलाइन सेंटर दे देंगे और उसके बाद हम लगाएंगे अलाइन आइटम ताकि जितने भी आइटम्स हैं हमारे जैसे यूज़र नेम, लॉगिन बटन, ये सब सेंटर में आ जाए। अलाइन आइटम इसको भी हम सेंटर कर देंगे। देन आपने क्या करना है, उसके बाद हम लेंगे सिंपली फ्लेक्स डायरेक्शन। जब हमने डिस्प्ले फ्लेक्स दिए इसके डायरेक्शन देंगे हम कॉलम, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम ले लेंगे। और अब आपने क्या करना है, सिंपली कंट्रोल एस करेंगे तो ये देखें अब जो हमारा जो जितना भी कंटेंट है वो सारा सेंटर में आ गया। उसके बाद क्या करना है, आपने अपना डिफ अगला हमारा उसको हमने क्लास दी थी बॉक्स, तो उसको भी हम एक्सेस कर लेंगे डॉट बॉक्स के नाम से। इसको हम सबसे पहले देंगे वेट, हमारे बॉक्स की जो वेट क्या होगी, इसको हम सिंपली ले लेंगे 400 या 3500 ले सकते हैं हम, या 370 बेहतर रहेगी, 370 पिक्सल हम इसको वेट दे देंगे। इसके बाद हम देंगे हाइट, हाइट ले लेंगे, हाइट हम लेंगे ज़्यादा तो उसको हम दे देंगे 400 पिक्सल इसको हमने हाइट दे दी ताकि जो है हाइट जो ज़्यादा रहे हमारे बॉक्स की। देन आपने देना है बॉक्स, इसके बाद देंगे हम बॉक्स का शेडो। शेडो किस तरीके से देंगे, बॉक्स शेडो लेंगे उसके बाद ज़ीरो लेना है, ज़ीरो के बाद हम लेंगे 4 पिक्सल, फिर 8 पिक्सल, देन आपने देना है फिर ज़ीरो। उसके बाद हम यूज़ करेंगे अपनी RGB वैल्यू को, RGB वैल्यू यूज़ करेंगे, ज़ीरो देंगे फिर ज़ीरो देना आपने ज़ीरो, और उसके लेंगे अल्फा इसका हम लेंगे 0.02 ले लेंगे या 3 ले लेंगे, कम्प्लीट 3 इसको दे देंगे। उसके बाद आपने वापस इसी को कॉपी कर सकते हैं, आप चाहे तो इसको हम कोमा लगाएंगे और इसको वापस से हम देंगे इसको वैल्यू। इसको किस तरीके से वैल्यू देंगे, ज़ीरो लेंगे फिर इसको हम वैल्यू दे देंगे सिंपली 4 पिक्सल, और इसको भी हम वैल्यू दे देंगे क्या दे देंगे 19 पिक्सल, इसको हम वैल्यू देंगे फिर और ज़ीरो। उसके बाद हमने लेने RGB, इसको भी हम दे देंगे 0.90, इसमें जो ओपेसिटी जो होती है अल्फा की एंड की वो हम ज़्यादा लेंगे इसमें, और इसको भी RGB में डाल देंगे क्योंकि हमारी RGB वैल्यू है। अगर आपको ये सब नहीं पता RGB वगैरह कंटेंट अलाइन आइटम, तो इस पर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है इस चीज़ की, आप देख सकते हैं। तो आप देखें हमारा जो बॉक्स है उसका शेडो अच्छा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है हमारे को देखने में। तो बॉक्स शेडो के जरिए हम इस तरीके से शेडो डालते हैं अपने बॉक्स पर। बॉक्स पर जाएंगे और बॉक्स क्या देंगे हम बॉर्डर लगाएंगे, बॉर्डर रेडियस देंगे, बॉर्डर रेडियस इसको देंगे हम कितना 20 पिक्सल, 20 पिक्सल देंगे। तो देखें अब जो इसकी जो शार्प थी पहले जो बॉक्स था वो काफ़ी शार्प था, अब जो है काफ़ी गुलाई में आ गया। उसके बाद देंगे बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में हम कलर दे देंगे सिंपली, कलर हम क्या देंगे इसको ग्रे ले लेंगे और उसकी कलर की वैल्यू हम चेंज कर लेंगे सिंपली कलर में जाके। इसको हम थोड़ा ब्लैक सा लेंगे, थोड़ा ग्रे और ब्लैक का जो कलर होता है उस तरीके से यहाँ से हम कलर सेलेक्ट करेंगे। RGB के अंदर आपने RGB की वैल्यू याद रखनी, सिंपली कलर सेलेक्ट करने कंट्रोल एस करेंगे और ये देखें जो हमारा जो कलर है वो बॉक्स का चेंज हो चुका है। देन आपने क्या करना है, कलर देना है ताकि आपका टेक्स्ट जो है हमारे को शो। इसको हम हेक्साडेसिमल में लेंगे, थोड़ा वाइट कलर का होता है तो आप वाइट भी ले सकते हैं सिंपली। तो ये देखें ये आ गया हमारा जो टेक्स्ट का जो कलर था वो भी चेंज हो गया। उसके बाद हम देंगे फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज कितना देंगे, फॉन्ट साइज हम दे देंगे 70 पिक्सल, 70 पिक्सल हमको फॉन्ट साइज देंगे। तो देखा हमारा जो कंट्रोल एस करके हमने देखा हमारा जो फॉन्ट साइज बड़ा हो गया। सिंपली इनपुट लेंगे, इन कलर ब्रैकेट लेना आपने सिंपली। उसके बाद हम देंगे इसको विड्थ, विड्थ हम ले लेंगे इसकी 90% विड्थ लेंगे, इसको हम परसेंट में देंगे विड्थ को 90% लेंगे। कंट्रोल एस करेंगे तो देखें अब जो हमारा यूज़र ने ईमेल और इंटर का जो बॉक्स है वो काफ़ी बड़ा हो गया, 90% का आ गया। देन आपने देनी है मार्जिन, मार्जिन देंगे, मार्जिन इसको हम देंगे मार्जिन बॉटम ताकि जो ये जो चिपका तीनों जो हैं चिपके हुए हैं तो ये थोड़ा गैप आ जाएगा इनके बीच में। तो ये देखें इस तरीके से हमारे पास गैप मिल गया, इसका मार्जिन से गैप देंगे, मार्जिन से गैप दे दें। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद हम देंगे इसको बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर दे देंगे, बैकग्राउंड कलर हम देंगे इसको ट्रांसपेरेंट ताकि हमें जो बैकग्राउंड में कलर नहीं चाहिए, इसको हम दे देंगे बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट। तो देखें हमारा जो कलर है वो हट चुका है। उसके बाद देंगे हम इसको बॉर्डर, बॉर्डर हमें नहीं चाहिए तो हम इसकी वैल्यू कर देंगे बॉर्डर नन, इसको हम नन वैल्यू दे देंगे तो अब हमारा जो बॉर्डर आ रहा है वो हट जाएगा। तो देखिए इस तरीके से हमने बॉर्डर हटा दिया। देन आपने क्या करना है, उसके बाद हम एक बॉर्डर लगाएंगे नीचे लाइन की तरफ, तो इसको हम दे देंगे बॉर्डर बॉटम, बॉर्डर बॉटम देंगे 1 पिक्सल, 1 पिक्सल सॉलिड ले लेंगे ग्रे कलर का, या ग्रे से इसकी वैल्यू हम चेंज कर लेंगे कलर में जाके, कलर में इसकी हम वैल्यू थोड़ी चेंज कर लेंगे और
इसकी परफेक्ट वैल्यू रहेगी शायद थिंक, तो ये बेहतर रहेगा कलर। इसको हम कंट्रोल एस करेंगे तो ये देखें नीचे हमें एक लाइन मिल गई बॉर्डर की 1 पिक्सल की। देन आपने क्या करना है, आप देख रहे हैं जो हम क्लिक करते हैं तो एक लाइन आती है, एक बॉर्डर आता है, आउटलाइन कहते हैं इसको, तो इसको भी हम हटा देंगे। आउटलाइन क्या देंगे हम, उसको वैल्यू दे देंगे नन। अब आप क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि जो हमारी जो आउटलाइन आ रही थी वो हट चुकी है। तो इस तरीके से हम आउटलाइन को हम नन कर देंगे। उस या हम डाल सकते हैं इनपुट फोकस कर लेंगे, पहले इनपुट फोकस देंगे। इनपुट फोकस कैसे काम करता है, सिंपली फोकस लेंगे, इसको हम दे देंगे बॉर्डर बॉटम। तो आप देखेंगे बॉर्डर से जो फोकस कलर होगा कलर वो चेंज हो जाएगा जब हम क्लिक करेंगे अपने बटन पे। तो 1 पिक्सल सॉलिड ले लेंगे इसको और ऑरेंज कलर ले लेंगे, कलर में जाके इसको थोड़ा चेंज कर लेंगे। कलर में आप सिंपली कुछ इस तरीके से हम कलर ले लेंगे। जब हमने कलर चेक करा और कंट्रोल एस करेंगे तो अब देखें आप क्लिक करने से जो देख रहे हैं आप कलर कुछ चेंज हो रहा है। तो उसके बाद है हमारा BTN डॉट BTN ला के BTN को सीज करेंगे। हमारा सबमिट बटन को जो है हम स्टाइलिंग करेंगे, इसको हम विथ दे देंगे सिंपली। विथ कितनी लेंगे, 40% ले लेंगे, इसको परसेंट में देंगे हम 40%। इसकी हमने विथ ले ली, देखें ये जो है बड़ा हो गया, 40% का हमारे पास सबमिट बटन आ गया। देन आपने क्या करना है, उसके बाद हम इसको पैडिंग दे देंगे, थोड़ी पैडिंग लेंगे। पैडिंग आपने लेनी है सिंपली, और पैडिंग हम दे देंगे 10 पिक्सल पैडिंग देंगे। ये देखें जो हमें पैडिंग मिल गई चारों साइड से बटन की। पैडिंग के बाद हम लगाएंगे इसको बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर हम लेंगे ब्लू। ब्लू को हम थोड़ा अच्छा सा कलर ले लेंगे ब्लू में, लाइट कलर। तो सिंपली इसी कलर सेलेक्ट कर लेंगे हम कलर में जाके, तो यहाँ से कलर बेहतर है। तो इसको कंट्रोल एस करेंगे और ये देखें जो हमारे जो कलर है वो चेंज हो गया। तो अभी जो है काफ़ी बॉर्डर भी आ रहा है, आप देख रहे हैं चारों तरफ से तो बॉर्डर भी आ रहा है और उसकी भी शार्प भी है। तो इसको हम बॉर्डर रेडियस दे देते हैं 10 पिक्सल दे देंगे। तो देखें आप चारों तरफ से हमें रेडियस मिल गई, गुलाई मिल गई। देन आपने देना है बॉर्डर, बॉर्डर हम इसको कर देंगे नन। जो ब्लैक कलर का हमें बॉर्डर का शेड मिला है वो हट जाएगा। तो आप देखो बॉर्डर का शेड हट चुका है। तो इसके बाद हम कर्सर करेंगे। कर्सर क्या देंगे, कर्सर पॉइंटर देंगे ताकि जब हम क्लिक करें तो इस तरीके से कर्सर आए। कंट्रोल एस करके देखेंगे और ये देखें क्लिक करने से हमारे पास एक हैंड आ रहा है, तो इसे कहते हैं कर्सर पॉइंटर। देन आपने क्या करना है, नेक्स्ट है हमारा साइनअप। साइनअप के अंदर जाएंगे, साइनअप को लगाएंगे हम। साइनअप है तो साइनअप स्पेन है हमारे पास, स्पेन में हमने साइनअप दिया हुआ है। साइनअप स्पेन लेंगे, डॉट लगाएंगे, कलर ब्रैकेट करेंगे हम। इसको हम दे देंगे सबसे पहले कलर। कलर क्या डिफाइन करेंगे, कलर हम ले लेंगे ब्लू कलर का कलर ले देते हैं सिंपली। इसके अंदर आपने सिंपली ब्लू कलर लेना है। देन हम ब्लू कलर यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे कोई अच्छा सा लाइट कलर। यहाँ से हमने ये वैल्यू सिलेक्ट करी है, काफ़ी बेहतर लग रहा है, तो इसको हम कंट्रोल एस कर लेंगे। कंट्रोल एस करेंगे तो देखें साइनअप का जो कलर है हमारा चेंज हो चुका है, ये काफ़ी बेहतर लग रहा है अब देखने में। इसको भी हम कर्सर पॉइंटर कर देंगे, काफ़ी जब क्लिक करें तो पॉइंटर सा है वो काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। तो इसकी वैल्यू हम कर देंगे पॉइंटर। आपने सिंपली पॉइंटर वैल्यू लेनी है और अब इस पर हम क्लिक करेंगे तो देखें पॉइंटर की शेप आ रही है, हैंड आ रहा है। तो आई होप आपको पसंद आया हो कि इस तरीके से हमने एक लॉगिन फॉर्म बनाया। बस भी देख लें, आप क्लिक कर सकते हैं चारों तरफ। इस पर हम टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, जैसे एक थोड़ा टेक्स्ट लिख के उसका चेक करेंगे कोड विथनस, या हम एक ईमेल डाल देंगे कुछ भी। तो हमारा जो लॉगिन फॉर्म है काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है। इसको हम कोड दे देंगे और एक पासवर्ड भी लगा सकते हैं। पासवर्ड लिखेंगे तो ये देखें ब्लड फॉर्म में आ रहा है, हमने पासवर्ड की फॉर्म दी, सबमिट कर सकते हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा किस तरीके से हम लॉगिन फॉर्म बनाते हैं। तो इसी तरीके की अमेजिंग प्रोजेक्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट प्रोजेक्ट के साथ।